तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और रोमांच से भरा देश है। अगर पहाड़ों पर चढ़ना आपको रोमांचित करता है तो आप तजाकिस्तान जाना काफी पसंद करेंगे। तजाकिस्तान से जुड़ी बहुत सी ऐसी रोमांचक बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता। आज हम तजाकिस्तान के कुछ ऐसे ही मजेदार चीजों के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तजाकिस्तान चाइना और अन्य देशों से घिरा एक लैंडलॉक देश है जो काफी युवा देश भी है। सन 1991 तक इस देश पर सोवियत यूनियन का शासन था और 1991 में इस देश को आज़ादी मिली। यहाँ की कुल आबादी के लगभग 70% लोग 30 साल से कम उम्र वाले हैं। तजाकिस्तान में 80% से भी अधिक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। वहीं सिर्फ 5% शिया मुसलमान है, जबकि 7% में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। तजाकिस्तान में शादी समारोह काफी अनोखा होता है। यहाँ पे ये समारोह 7 दिन तक चलता है। इस समारोह के पहले दिन दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी का ऐलान करते हैं और अपने परिवारों के साथ अलग अलग भोज करते हैं। ये सिलसिला पूरे 3 दिन तक चलता है। शादी के अनुष्ठान से पहले 6 दिनों में दुल्हन अपने घर में ही रहती है। 6ठे दिन दुल्हन अपने परिवार के सदस्यों के साथ दूल्हे के घर पहुँचती है और वहाँ रात बिताते हैं। यहाँ हनीमून मनाने का नियम और भी आश्चर्यजनक है। तजाकिस्तान में हनीमून 40 दिनों तक मनाया जाता है। तजाकिस्तान में वैश्यावृत्ति लीगल है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 1400 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। वैश्यावृत्ति यहाँ की सड़कों पर और बार्स, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स में होती है। हमारे यहाँ लड़कियों का साइकिल चलाना एक आम बात है, लेकिन कजाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का साइकिल चलाना मना है। यहाँ की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से मानी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तजाकिस्तान के लोगों को हिंदी फिल्में देखना काफी पसंद है। यहाँ के टीवी चैनल्स पर हफ्ते में 5 दिन हिंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। तजाकिस्तान में हर भोजन एक समारोह होता है। वहाँ के लोग भोजन को काफी सम्मान देते हैं और रोटी को भी पवित्र मानते हैं। तजाकिस्तान पर्वतारोहियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतारोहियों को काफी आकर्षित करती हैं। छोटा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर 900 से भी अधिक नदियाँ हैं। आप लोगों ने बर्फीले पहाड़ों का दानव यति के बारे में सुना ही होगा। तजाकिस्तान के लोग दावा करते हैं कि उनके पहाड़ों में यति का निवास है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसे यहाँ मंडे भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर एक गाँव से उभरा था जो कि सोम बाजार स्थान के नाम से लोकप्रिय था। तजाकिस्तान के लोग फूलों को काफी महत्व देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर फूलों के सम्मान में छुट्टी दी जाती है और इसी के साथ भजन और नृत्य संगीत भी किया जाता है। तजाकिस्तान में अनाज, कॉटन, फल और सब्जियों की खेती तथा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है। और तो और, तजाकिस्तान में एल्यूमिनियम, बिजली, फल, वनस्पति तेल तथा कपड़े भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।